दर्शकों नमस्कार, योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्श्वोत्तानासन के बारे में। पार्श्व का मतलब होता है बगल, उत्तान का मतलब है तानना, लंबा करना, मतलब हमारे शरीर को बगल में ट्विस्ट करके अपने पीठ को, कमर को पूरा तानना। तो चलिए सीखते हैं किस प्रकार से किया जाता है पार्श्वोत्तानासन। मित्रों, पार्श्वोत्तानासन के लिए दोनों पैरों में 3-3.5 फुट का फासला, दोनों पंजे एक सिद में, एड़ी एक सिद में, सारा शरीर बिल्कुल टाइट, घुटना सीधा, बैक स्ट्रेट। इस आसन के लिए दाहिने पैर पर दबाव देकर दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ से 90 डिग्री एंगल पर ले आइएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देन बाएं पैर को सीधा रखते हुए धीरे से 70 से 80 डिग्री एंगल पर ले आए। दोनों घुटने बिल्कुल सीधा, दाहिना पैर और बाया पैर बिल्कुल सीधा रखिएगा। अपने शरीर को 90 डिग्री एंगल पर ट्विस्ट कर दें दाहिनी तरफ, बैक बिल्कुल स्ट्रेट आप देख सकते हैं। उसके बाद दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, अपने कंधे को चौड़ा करें। देन धीरे धीरे दृष्टि ऊपर की तरफ रखते हुए नितंबों के जोड़ से धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएं। जब आप आगे झुकें तो आपका सीना फैला हुआ, धीरे धीरे आगे बेंड हो जाएं। पेट को जंघा पर लगा दें, धीरे धीरे नाक, ठुड्डी, मस्तक को घुटनों पर लगाने का प्रयास, आपके कंधे बिल्कुल चौड़े। इस प्रकार से लगभग 30 से लेकर 45 सेकंड तक इस आसन को मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे गर्दन उठाएं, सीने को चौड़ा करें, धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापस आएं, थोड़ा सा आराम करें। उसके बाद दाहिने पैर को सीधा करें, बाएं पैर को भी सीधा करें, थोड़ा सा आराम। जब आप आराम करें, पैरों की मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स होने दें, कंधे को रिलैक्स होने दीजिएगा। आफ्टर रिलैक्सेशन, आफ्टर शिथिलीकरण, अपने बाएं पैर को बाएं पैर की एड़ी पर दबाव देते हुए बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ ट्विस्ट कर दें। अपना बाया पैर 90 डिग्री एंगल पर, उसका पंजा बिल्कुल सीधा। दाहिने पैर को और थोड़ा ट्विस्ट कर दें, 70 से 80 डिग्री एंगल पर इस प्रकार से रख दें। देन अपने शरीर को पूरी तरह ट्विस्ट करें, आप देख सकते हैं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिएगा, सीना चौड़ा करिएगा। उसके बाद दृष्टि आकाश की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे बेंड हो जाएं। इस प्रकार से हौले हौले
पहले पेट जंघा पर लग जाए, देन छाती, धीरे धीरे नाक, ठुड्डी, इस प्रकार से जितना समय हम दाहिनी तरफ रुके थे उतना ही तरफ समय बाईं तरफ रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आए। जब आप आसन करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे अभी बाईं तरफ कर रहे हैं तो दाहिना पैर बिल्कुल सीधा और बायां पैर भी बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे वापस आइएगा। बाएं पैर को सीधा करें, दाहिने को भी सीधा करें, समस्थिति, समान वजन। हथेलियां पीछे रहेंगी, आंखें बंद, ऑब्जर्वेशन। अपने जंघाओं के मांसपेशियों को, पैरों के मांसपेशियों को पूरी तरह रिलैक्स होने दें। सामान्य श्वास, हौले हौले श्वास लेना और हौले हौले निकालना। मित्रों, जब हम पार्श्वोत्तानासन करते हैं कुछ बात विशेष ध्यान रखनी होती है। पहली बात तो आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। दूसरी बात, जब आप शरीर को बगल में लेकर आगे की तरफ झुकते हैं तो आपके बटक्स एक सीध में होने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपके पैरों का डिस्टेंस और फासला सही प्रकार से हो। अगर आपका पैर दोनों एक सीध में होगा, आप देख सकते हैं दोनों पैर एक सीध में हैं, तो आपका आसन असंतुलित होगा और बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी। उसके लिए आप जैसे ही दाहिने पैर को लेते हैं, बाएं पैर को थोड़ा सा, आप देख सकते हैं आपका दाहिना पैर थोड़ा सा इधर है, बाया पैर थोड़ा सा इधर। अगर आप एक सीध में रखेंगे तो आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी, इसका विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, जब आप बॉडी को दाहिनी तरफ ट्विस्ट करें तो आपके जो नितंब हैं वो एक सीध में रहने चाहिए, न कि इस प्रकार से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो हम गलती करते हैं वो यह है कि हम हमारे फॉरहेड को घुटनों पर लगाने का प्रयास करते हैं और कमर को भूल जाते हैं। आपका मस्तक घुटने पर लगे या न लगे, महत्वपूर्ण है कि आपका बैक स्ट्रेट हो। इसके लिए आप इस प्रकार से नहीं झुकें, अच्छा है बैक को सीधा रखकर आप नितंबों के जोर से आगे की तरफ बेंड हो जाएं। अगर आपको दिक्कत आती है तो उंगलियों को इंटरलॉक, उंगलियों को आपस में फंसाकर हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और अपने सीने को चौड़ा करते हुए भी इस आसन को आप कर सकते हैं इस प्रकार से। मित्रों, यह आसन जंघाओं और नितंबों के अकड़ को दूर करता है, साथ में पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आगे की तरफ झुकने के कारण पेट के अंगों पर विशेष दबाव पड़ने के कारण पेट के अंगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। आज हमने जाना पार्श्वोत्तानासन के बारे में। कल फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।